एक बार बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, एक बार ध्यान सुन लेंगे जल्दी से। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसके लिए चार थ्योरी दी गई थी। पहली थ्योरी थी अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी 1893। इसके बाद आई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पॉलिंग ने दी थी। उसके बाद आई थी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके बाद थी एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर लीगेंड फील्ड थ्योरी। चार थ्योरी थी, तीन स्टार्टिंग हमारे कोर्स में। पहली थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वर्नर थ्योरी। क्या नाम है? वर्नर थ्योरी। मैंने इसके लिए कंपाउंड लिया CONH3O6Cl3। जब ये डिसाइड करेगा तो मिलेगा CONH3O6Cl3+3Cl-। तो इसके अंदर जो बोला गया थ्योरी के अंदर, कि पहला पॉइंट था इसका कि जो सेंट्रल एटम है उसकी दो तरीके की वैलेंसी होती है। सेंट्रल एटम की दो तरीके की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, पर प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल, ये दिखा दिया आयनाइजेबल, ये वाली है प्राइमरी वैलेंसी। जो काउंटर आयंस होते हैं ना, जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है, नॉट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो आयनाइजेशन स्फीयर है, ये प्राइमरी वैलेंसी है। और सेकेंडरी वैलेंसी हमारी होती है नॉन आयनाइजेबल, यानी ये वाला पार्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पार्ट। यानी एक तरह से मैं ये भी बोलता हूँ, जो काउंटर आयंस है या जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो प्राइमरी वैलेंसी है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे थ्री है, थ्री है ना ये आयंस बाहर। प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ये सिक्स, सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किससे हुई है? नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंसी जो है नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है या न्यूट्रल ग्रुप से सेटिस्फाई हो सकती है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल ग्रुप। प्राइमरी वैलेंसी तो कहीं पे, क्योंकि आयनिक है ये, कहीं पे भी आ सकता है, इसीलिए इसकी कोई फिक्स पोजिशन नहीं होगी। सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजिशन होगी स्पेस के अंदर, सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजिशन होगी स्पेस के अंदर, ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राइमरी वैलेंसी ये बता दी यहाँ तक, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे इसके अंदर। अब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का पता लगाने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू उसको स्टडी करेंगे। अब प्राइमरी वैलेंसी का पता लगाना है कैसे लगाएंगे और सेकेंडरी वैलेंसी का पता कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए मैं यही वाली एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये CONH3O6Cl3 वाली, नोट करेंगे इसको। एक बार फोर्थ पॉइंट द्वारा समझा दो। कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट क्या लिखा था? सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। अच्छा अच्छा, वो तो अभी यहीं पता लग जाएगा, एक मैं देख लेता हूँ दोबारा। सेटिस्फाइड, देख ये ना नेगेटिव, देख प्रथम सीएल थ्री है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा तो सीएल थ्री निकली ना इससे, ओके, नेगेटिव आयन से। और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में यहाँ पे न्यूट्रल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे अभी ये न्यूट्रल दिखा रखा मैंने, या नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसकी कोई फिक्स, हाँ इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी आयनिक वाले पार्ट की, ये कहीं भी आस्था आयनिक है। इसकी तो NH3 6 के 6 NH3 फिक्स पोजीशन पाएंगे ऑक्टेट्रल शेप में, तो इसकी फिक्स पोजीशन है शेप के अंदर। बस इसने लिमिटेशन जो थी ना इसकी, मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल है, एक तरह से नॉन डायरेक्शनल है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल, ये भी पता होना चाहिए। अब ध्यान देंगे, मैंने बोला फिक्स पोजीशन इन स्पेस, फिक्स पोजीशन इन स्पेस किसकी? प्राइमरी वैलेंसी की और सेकेंडरी वैलेंसी की। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा देखो, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। CONH3O6Cl3, अब जैसे मैंने इसमें पूछा इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया था अल्फ्रेड वर्नर, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे किया अल्फ्रेड वर्नर ने, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ये तरीका है, सीओ NH3 लगा देंगे, NH3, ये फिक्स पोजीशन होगी स्पेस के अंदर। और Cl3 जो है ना, जो आयनिक पार्ट है, इसको कहीं पे भी लगा दो, इसको मैं लिखा रहा हूँ देखो ऐसे, Cl3 को Cl ये दिखा दिया। दिस इज हाउ दिस कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड, इस तरीके से हम इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ्रेड वर्नर के थ्रू, इस तरीके से।
कोई डाउट तो नहीं किसी को? CONH3 होल 6 Cl3, और ये 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी समझ आ जाना चाहिए। जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा? CONH3 होल 6 3+ + 3Cl नेगेटिव, ये एक है कटायन और तीन है अनायन, इसलिए इसको मैंने बोला 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट और चार आयन देगा। 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो 1+3 चार आयन होंगे, 1+3 चार आयन होंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। हाँ, तो ये हो गया, ये समझ आ गया होगा तुम्हें। इस कंपाउंड को ऐसे प्रेजेंट करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी दिखाई जो कि नॉन डायरेक्शनल थी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी? डायरेक्शनल थी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं तुम्हें और बना के दिखाऊंगा, फिर तुम्हें बनाना है। मान लो मैंने बोला CONH3 होल 5 Cl Cl2, अब इस कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए CO इसको रिप्रेजेंट करने के लिए NH3 दिखाया, NH3 पांच NH3 थे, अब ये दिखा दिया मैंने एक Cl, ये Cl दिखा दिया, दो Cl जो आयनिक वाला पार्ट है, जो बाहर है, जो आयनाइजेशन स्फीयर है, जो काउंटर आयंस है, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, Cl Cl। अब तुम्हें ध्यान होगा, मैंने तुम्हें बोला था जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से न्यूट्रल ग्रुप से दोनों से सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए ये वाला Cl जो है प्राइमरी वैलेंसी का काम भी कर रहा है, सेकेंडरी का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको मैं ऐसे भी शो करता हूँ, ये डबल, ये दो लाइन दिखाई ना, दिस शोज दैट दिस Cl इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ +3 आएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 6 आएगा, हो गया ना सेटिस्फाई दोनों? नहीं समझी बात? तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी जो है न्यूट्रल ग्रुप से और नेगेटिव आयन से दोनों से हम शो कर सकते हैं, दोनों से शो कर सकते हैं। और ये कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसमें आयंस मिलेंगे तीन, डिसोसिएट करने पर ये डिसोसिएट करेगा तो तीन आयंस मिलेंगे CONH3 होल 5 Cl 2+ + 2 Cl, तीन आयंस मिलेंगे इसमें, एक कटायन दो एनायन, है ना, एक कटायन दो एनायन। कोई डाउट किसी को? चलो, ये क्लियर हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है, दो कंपाउंड मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें उसको रिप्रेजेंट करना है और कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये बताना। देखो, नेक्स्ट स्टेप है CONH3 होल 4 Cl2 Cl बाहर, एक इस कंपाउंड को और एक इस कंपाउंड को, इन दोनों को रिप्रेजेंट करो जल्दी, अल्फ्रेड वर्नर के थ्रू जल्दी से रिप्रेजेंट करो इन दोनों कंपाउंड।
हाँ कर लिया ये। हाँ कर लिया तुमने ये विधि। यस सर। देखो इधर, फर्स्ट कंपाउंड ये सेकंड, फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, चार एन एच थ्री है, सी एल सी एल, एक प्राइमरी वैलेंसी। अब दो सी एल ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करें, तो इस कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, दो आयंस मिलेंगे, दो आयंस मिलेंगे इसमें। अब सेकंड कंपाउंड को, पहला कंपाउंड रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड कंपाउंड इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनएच थ्री एनएच थ्री एनएच थ्री सी एल सी एल सी एल, लेकिन ये सी एल ऐसे होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फ्रेड वर्नर के थ्रू कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना आ गया है। यस सर। एक बार थ्योरी, चलो इसकी लिमिटेशन से एक बार सुन के, ये थ्योरी खत्म हो गई, इसमें डिटेल और ज्यादा डिटेल नहीं है, इसमें मेन वीबीडी करनी है हमें, लिमिटेशंस। हाँ बोलो सर इसमें सी एल और एन एच थ्री की पोजीशंस कुछ भी हो सकती है ना? हाँ, कहीं भी हो सकती है, मतलब होगी ऑक्टाहेड्रन पे, मतलब सी एल और एन एच थ्री की और इनकी पोजीशंस एक्सचेंज हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है। सीएल यहाँ लगा दो, तुम सीएल यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो, सही है ना जी? यस। चलो अब लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस है कि कुछ ही ट्रांजिशन मेटल्स हैं उन्हीं के अंदर इसने बॉन्डिंग स्टडी की थी, व्हाई नॉट अदर्स, पहली लिमिटेशन, व्हाई ओनली सर्टेन ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस नॉट अदर्स, व्हाई वी स्टडी बॉन्डिंग इन सम कॉम्प्लेक्सेस ओनली नॉट इन अदर्स, पहला पॉइंट सही ना। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी की फिक्स पोजीशन क्यों है स्पेस में, ये नहीं बता पाया था, बहुत सारी लिमिटेशन है, मैं एक दो ही बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। वाई सेकेंडरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी है ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, वाई ओनली सेकेंडरी वैलेंसी हैज फिक्स पोजीशन इन स्पेस, वाई प्राइमरी वैलेंसी हैज नॉट गॉट एनी फिक्स पोजीशन इन स्पेस, दूसरी लिमिटेशन, वाई सेकेंडरी वैलेंसी ओनली डायरेक्शनल नॉट प्राइमरी वैलेंसी, तीसरी लिमिटेशन, मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बहुत सारी लिमिटेशंस है ऐसे, तो मैंने दो तीन बता दी तुम्हें, लिमिटेशंस भी कर लेंगे इसकी, अल्फ्रेड वर्नर है ये लिमिटेशंस है इसकी। फिर जैसे क्वेश्चंस इसके आते हैं, क्वेश्चन दे दिया इसका, जैसे सीओ डॉट फोर एन एस सी, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, डॉट थ्री सी एल दे दिया, बोला एजीएन थ्री डाला इसके अंदर, ये AgCl का पीपीटी दे रहा है, तो इस कंप्लेक्स का आईयूपीसी नेम क्या होगा, इस कंप्लेक्स जो कंप्लेक्स बना है उसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, एक बार इसमें AgNO3 डाला, ये 3 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है, तब बोला कि इस कंप्लेक्स का आईयूपीसी नेम क्या होगा, दोनों केस में आईयूपीसी नेम बताना, एक क्वेश्चन ये करोगे, और एक क्वेश्चन जैसे दे दिया PtNH3 whole 4 Cl2 1 2 PtNH3 ले लेते हैं इसमें whole 6 Cl4 PtNH3 whole 5 Cl3 PtNH3 होल 5 Cl या होल 5 Cl3 Cl कर देते हैं 3 Cl
हाँ, इन चारों को कॉम्प्लेक्सेस को तुम्हें अरेंज करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैनेज करना है और कौन से टाइप के ये इलेक्ट्रोलाइट है ये बताना है। चारों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैनेज करना है और कौन से टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है ये बताना है। दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से। हाँ किया किसी ने? सर 2314 ये कनेक्टिविटी मैनेज किया छवि? यस सर। हाँ ये तो बिल्कुल सही है 2314। पहला वाला नहीं किया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्यों है छवि, इसका आंसर बताओ पहले। सर टू में सबसे ज्यादा उस टू में सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसमें 1:4 टाइप है तो 5 आयंस प्रोड्यूस होंगे ऐसे करके, तो इसीलिए सबसे ज्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। हाँ उसके बाद, उसके बाद थ्री में उसमें वो 1:3 टाइप है तो उसमें 4 आयंस होंगे, फिर 1 में वो 1:2 टाइप है उसमें 3 होंगे, और फिर फोर्थ वाला 1:1 टाइप है। बिल्कुल सही, सबको समझ आ गया हो, ये आंसर आ जाएगा 2314। फर्स्ट वाले केस में बोलो, फर्स्ट वाले केस में निकाला किसी ने आंसर? चलो एक बार देख लेंगे, CO.4NH3.3Cl है ना। देखो इसके में AgNO3 डालने पर AgCl का प्रेशर मिल रहा है, ये नहीं बताया है इसने कि कितने मोल्स प्रेशर मिल रहा है, इसलिए हम स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। इसलिए इसका क्या बनाएंगे? स्टेबल कंपाउंड। तो स्टेबल कंपाउंड क्या बनेगा इसका? जो ऑक्टाइड्रल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑक्टाइड्रल बनाना, एक सीएल को बाहर रखेंगे, एक मोल एजीसीएल लेना, ये कंपाउंड बनेगा। इसका यूपीएससी ने बताना है, क्योंकि इसमें एक ही सीएल बाहर होगा ना, AgNO3 डालने पर AgCl का प्रेशर मिल जाएगा, और इस केस में 3 मोल AgCl इसने बोल रखा है, यानी बाकी जो है वो कार्डिनल स्फीयर के अंदर आ सकते हैं चारों NH3। तो इसका इसमें जो मिलेगा कॉम्प्लेक्स वो CONH3 होल 4 होगा और Cl3 बाहर, CONH3 होल 4 Cl3 बाहर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है सेकंड केस में? तभी तो 3 मोल, जब ये टूटेगा तो 3 Cl नेगेटिव देगा, 3 Cl नेगेटिव और AgNO3 क्या बना देगा? 3 AgCl। आया समझ के नहीं? ये यस सर। देखो पहले का IUPAC नेम क्या होगा, फर्स्ट वाले का IUPAC नेम
फर्स्ट वाले का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? टेट्रामीन डाइक्लोरोफॉस्फेट थर्ड क्लोरिडो। इसका है टेट्रामीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कर लोगे। नेक्स्ट का टेट्रामीन कोबाल्ट क्लोराइड, दोनों समझ आ गए होगा। वर्नर थ्योरी तो मैं क्लियर हो गई होगी, ये पूरी वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन कर दी मैंने। नेक्स्ट थ्योरी आई थी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वीबीटी और सीएफटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पॉलिंग ने दी थी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं क्वेश्चन जो लूंगा पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, ताकि कंसेप्ट सीखोगे ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये इसलिए हो रहा था, तुम्हें रीजन समझ आएंगे फिर। और 99% है जो क्वेश्चन आना है, चाहे वो एंट्रेंस है चाहे बोर्ड है, इसी से आना है क्वेश्चन, वीबीटी से। वीबीटी से 99% है, और आइसोमेरेज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर इससे आते हैं, आइसोमेरेज में भी आते हैं। अगर ये 99% है तो वो भी है 90% के आसपास, कि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा नाइट में, अभी तुम सिर्फ ये देख लोगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए अगर लिगेंड्स 6 हैं, 6 लिगेंड्स मत करो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बस ये याद रख लो, अभी ये याद रहेगा ना तो फिर क्वेश्चंस करोगे तो उसमें हेल्प मिलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो दो पॉसिबिलिटीज है हाइब्रिडेशन की। एक हाइब्रिडेशन होती है d2sp3, दूसरी हाइब्रिडेशन होती है sp3d2। दूसरी पॉसिबिलिटी sp3d2। d2sp3 में अगर d हमारा 3d है तो s4s होगा और p4p होगा, और sp3d2 में आउटर वाला d ऑर्बिटल होता है, 4s है 4p है तो 4d होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। इसमें इनर वाले d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड है, पहले केस में इनर d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। याद रखना ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे लिखते हैं इसको, इनर ऑर्बिटल या हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस। हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस, और जनरली ये लो स्पिन होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली। ये क्या होंगे, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, जनरली क्या होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अभी जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल्स हैं, ये होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा नाम इसका हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस। हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्सेस, और ये जनरली क्या होंगे, हाई स्पिन, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जा रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कम आते हैं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये तुम्हें ध्यान रखना, इसके अंदर ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जा रहा है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें दो केस करने तुम्हें, एक sp3, चार है ना, चार का मतलब sp3 होगा, एक s और 3p, या dsp2। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल शेप, dsp2 मतलब स्क्वायर प्लैनर शेप। dsp2 का मतलब क्या है, स्क्वायर प्लैनर शेप, तो ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप, स्क्वायर प्लैनर शेप, सही है, ये क्लियर होना चाहिए। तो इन्हीं की डिटेल मेरे को बतानी है, कब स्क्वायर प्लेनर होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा, मैंने क्या तुम्हें क्लास में ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवा दी है क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? जल्दी से आंसर करेंगे क्योंकि टाइम कम है, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने क्या याद करवा दी है? नो सर, यस सर, नहीं कराई अभी लेक्चर में, नहीं करवाई है। विधि सर मेरे पास तो अब तक नहीं आई है। नहीं है फिर, नहीं मैंने पढ़ाया तो नहीं है ना अभी तक? नहीं सर। चलो सर, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे, स्पेक्ट्रो की करा दिया है सर, करा दी है यस, जो मैंने ये आईब्रिज से कनाडा वाला कराया होगा, आईब्रिज से कनाडा, ये ध्यान है तुम्हें कशिश? सर बस सीरीज लिखवाइए, उसको एक्सप्लेन वगैरह कुछ नहीं किया बाकी। हां एक्सप्लेन नहीं किया, ये बताया ना उसके अंदर कि कार्बन डोनर स्ट्रांग लिगेंड्स होते हैं, हाँ बस ये इतना ही बताना था। वो याद होनी चाहिए तुम्हें, वो सीरीज याद होनी चाहिए, नहीं तो समझ आने में दिक्कत आएगी। ये सीरीज ऐसी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें डिफरेंट लिगेंड्स अरेंज्ड हैं इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डिफरेंट लिगेंड्स अरेंज होंगे इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
जो लीगेंड स्ट्रॉन्ग है वो सबसे ज्यादा होगी उसकी क्रिस्टल फील्ड सीएफएससी वैल्यू, जो लीगेंड वीक है उनकी कम वैल्यू होगी। कार्बन डोनर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, सही ना, कार्बन डोनर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे नाइट्रोजन डोनर। ये दोनों आ गए, अगर ये दोनों आ गए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड ही होगा। नाइट्रोजन में थोड़ा डाउट रहता है, बॉर्डर लाइन पे भी है। ऑक्सीजन डोनर्स, सल्फर डोनर्स और हेलोजन्स, ये वीक में आते हैं, ये वीक में आते हैं, मतलब ऑक्सीजन डोनर्स, सल्फर डोनर्स, मतलब हल्का सा डाउट में रहेगा ऑर्डर, लेकिन हाँ ज्यादातर इसी को फॉलो करेंगे ये पूरा ऑर्डर जो है ये। इसको सीरीज को तुम थोड़ा बहुत ऐसे भी ध्यान रखते हो, और मैंने तुम्हें बताया था हेलोजन्स और वाटर को वीक लिगेंड मानना, वो स्पेक्ट्रम ऑफ सीरीज याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है उसको, उसके निमोनिक्स बताए हुए हैं, वो आईब्रिज से कनाडा, कल फिर नाइट्रेट ने कहा ओ यूरिया एल्कोहल ला, ऐसी दूसरी थी सुन ऑक्सीलेटो ओ बड़ा क्योंकि ओ टू माइनस आता है आगे, पानी एंड कैस्ट्रोल से उड़ता एमोनिया, इड़ता था उड़ता एमोनिया, और तीसरी सीरीज बताई थी जब लिखेंगे अलग से, जब NH3PY इन DP नाइट्रो सुने क्यों, वो सीरीज याद कर लेना, उसका ना उसके बोर्ड में इंपॉर्टेंस नहीं है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी मैंने जो बताया ना इतना जरूर याद कर लेना ताकि नाइट में जब क्वेश्चंस कराऊं तो क्वेश्चंस आते थे, तो तुम्हें क्वेश्चंस आते हो। एक ना क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी है, वो एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 अगर है, 5 के केस में ना पॉसिबिलिटीज 4 हाइब्रिडेशन की है, sp3d में दो, sp3d में दो, और ऐसे ही दूसरी sp3d एक में होगा dz2, शेप होगी tbp, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक sp3d के अंदर शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल या टेट्रागोनल, या टेट्रागोनल, इसके डी में dx2y2 होगा, dx2y2, और जो TBP है वो वीक फील्ड लिगेंड और CO आ जाए एक ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, तो ये होती है मिश्रा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर इस sp3d के लिए यानी स्क्वायर पिरामिड के लिए अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है SFL के केस में हमेशा स्क्वायर पिरामिड होगी, XFL में कौन सा नहीं आएगा, CO, क्योंकि CO ऊपर आ चुका है, ये एक्सपेरिमेंटल है इसको याद रख लेंगे। एंट्रेंस के लिए sp3d, sp3d में दो होते हैं dsp3 sp3d, वो मैं बता दूंगा तुम्हें, इसको रट देना बस बिल्कुल, इसको याद कर लेना, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, जो मैंने अभी VBT बताया ना उसको रिवाइज कर लेना जरूर ढंग से,